इस बाजार में जब गलती करते हैं तो सॉरी बोलने से काम नहीं चलता पैसा देना पड़ता है <laughs> <laughs> मतलब इट इज नॉट अ मैरिड लाइफ गलती करो लास्ट में सॉरी बोल दे तो पैसा दे दो, गलती है। <laughs> 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 और ये कैसे पता लग गया कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो बुलिश से बेरिश हो गया कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं जस्ट एक एकेडमिक अंडरस्टैंडिंग के लिए सर हाउ डू यू डिफरेंशिएट बिटवीन कंसोलिडेशन एंड एनी मार्केट कंडीशन यू आर सेइंग कि स्टॉक्स मिलेंगे जो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहे हैं बिकॉज़ टर्न अराउंड स्टोरी तो कहीं ना कहीं बननी ही है बट एक ही बात है कि ये सब जो टफ टाइम आता है ना कोविड ओविड जब तीस पैंतीस परसेंट चालीस परसेंट पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है उस समय जो आप बिना जॉब के बैठे हैं, क्या मनस्थिति होती है वो एक प्रॉब्लम है चलिए सर उस पर थोड़ा बात करेंगे नमस्कार दोस्तों फेस टू फेस में आपका स्वागत है मैं आपका होस्ट विवेक प्रजाज दोस्तों आज हम एक फ़ेस टू फ़ेस रिकॉर्ड कर रहे हैं जहाँ पे नौकरी से कैसे आज़ादी लेनी चाहिए वो चर्चा करेंगे देखिए मुझे ये फेज़ उतना अच्छा नहीं लगता है क्योंकि मुझे लगता है नौकरी बहुत इंपॉर्टेंट है ऑल्टरनेट इनकम बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज वही आपका रिस्क प्रोफाइल को बिल्ड करता है लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम जब आप दस साल ग्यारह साल जॉब में बता देते हैं आपका एक कैपिटल बेसिक बिल्डअप हो जाता है तब तो बनता है एक चांस लेने का राइट right? अब वो चांस जो है ना वो इनिबिशन है कि करें नहीं करें करें नहीं करें और उसको डिसीज़न मेकिंग को नॉलेज संपूर्ण करता है अगर आपको नॉलेज नहीं है तो आप हमेशा क्वेश्चन करेंगे करूं कि नहीं करूं नॉलेज हो गया तो आप डिसीजन मेकिंग में आगे बढ़ जाते हैं तो आज के इस फेस टू फेस में पवन महेश्वरी जी हमारे साथ जुड़े ये जयपुर से आए हैं ही वॉज़ वर्किंग विद आई बैंक फॉर ऑलमोस्ट ट्वेल्व ईयर्स और उसके बाद फिनेशियल इंडिपेंडेंस का पाथ में उतर चुके हैं एंड ही इज़ मेकिंग नाउ मनी इक्विवेलेंट टू हिज सैलरी विच यूज टू गेट एज अ लास्ट विदड्रॉल सैलरी फ्रॉम आई सी बैंक ठीक तो बहुत अच्छा लग रहा है ये बात सुन के कि आप फिनेंशियल इंडिपेंडेंट हो गए थैंक यू विवेक जी वेलकम बैक बिफोर वी साथ द डिस्कशन एक औपचारिकता है मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूँ कि ना इन्होंने मुझे एक रुपया दिया है ना मैंने इनको एक रुपया दिया है मेरा इनके साथ कोई कमर्शियल रिलेशनशिप नहीं है ये क्या सर्विस करते हैं मुझे क्या सर्विस प्रोडक्ट क्या है इनका मुझे कोई आइडिया नहीं है मुझे अच्छे लगे इनका नॉलेज अच्छा लगा किसी ने रेफ़र किया मैंने इनका देखा स्ट्रैटेजी इनका परफॉर्मेंस देखा मुझे अच्छा लगा तो मैं इसीलिए इनको इन्वाइट किया हूँ जयपुर से कैलकटा बिल्कुल डिस्कल बहुत ज़रूरी हो गया आजकल हाँ <laughs> इन दिनों एक्सपे देख के तो कई बार ऐसा ही लगता है <laughs> वैसे एक और चीज़ है मेरा नीचे आ रहा होगा सेबी भी रजिस्ट्रेशन नंबर आ रहा होगा तो हम से भी रजिस्टर प्लेटफॉर्म है ये भी बताना जरूरी है तो हम जो भी करते हैं वो से भी हमारे माए बाप हैं उनके राज में हम कर रहे हैं तो हम गलत कुछ नहीं करते हैं ठीक है थीके? बिल्कुल जी पी आपके सामने हाँ सर बस मचा दीजिए चलिए सर डेफिनेटली तो हम इस्टार्ट करते हैं पहले व्यूअर्स को ये समझना पड़ेगा कि जो हम ट्रेडिंग स्टाइल डिस्कस करने वाले हैं वहाँ पर हम मिनिमम एक महीने का हॉरिजन लेके चलेंगे और इवन कुछ ट्रेड्स हमारे एक साल डेढ़ साल तक भी चल सकते हैं सो विथ दैट वी विल डिस्कस एवरीथिंग अलॉन्ग और इसके साथ हम पोजिशन साइजिंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देंगे ओके सो देखिए सबसे पहले अगर हम बात करें सो वी नो हमारा आज के एजेंडा में सबसे पहले डो थ्योरी है डो थ्योरी इज द आई थिंक वन ऑफ द हंड्रेड इयर्स ओल्ड थ्योरी जो एक बेसिक स्ट्रक्चर है मेरे सेटअप का ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है उसके बाद हम स्टॉक सेलेक्शन क्राइटेरियाज पे जाएंगे जहां हमारे कुछ टेक्निकल और फंडामेंटल पैरामीटर्स हम डिस्कस करेंगे जी कुछ मैंने सर्टेन रूल्स बना रखे हैं एंट्री और एग्जिट के ओके हम वो भी डिस्कस करेंगे ओके और पिछले तीन चार साल में मैंने जो भी कुछ गलतियां भी करी हैं डायरेक्टली तो बिना गलती को पहुंचता नहीं तो वहाँ पर जो इस बाज़ार में जब गलती करते हैं तो सॉरी बोलने से काम नहीं चलता पैसा देना पड़ता है <laughs> <laughs> मतलब इट इज़ नॉट अ मैरिड लाइफ गलती करो लास्ट में सॉरी बोलो तो पैसा दे दो गलती माफ है <laughs> 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 तो वहाँ जो भी मैंने सीखा है आई हैड ट्राइड टू पॉइंट इट इन थ्री फोर पॉइंट अगर व्यूअर्स उसको एक्सपीरियंस को ले पाएंगे तो दे वुड बी एबल टू सेव अ लॉट ऑफ मनी और वरना सॉरी बोलने का तरीका इस बाजार में क्लियर है ठीक है अच्छा आपके सोशल मीडिया फॉलोअर्स हैं क्या Prittal, नहीं सर मैं एक्स पे भी बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं okay. और आई डू फॉर ट्रेडिंग फॉर माई सेल्फ एंड इन माई फैमिली अकाउंट्स ओनलीके तो दोस्तों सोशल मीडिया में बहुत बहुत, बहुत बड़ी फॉलोइंग नहीं है इनकी तो मतलब हमारा कोई वेस्टर्न इंटरेस्ट नहीं है कि बड़े फॉलोअर हैं तो बड़े व्यूज आ जाएंगे वगैरह कुछ नहीं है मैंने एक्चुअली ऑब्जर्व किया है इन दिनों कि जो सोशल मीडिया में कम है ना वही बहुत ज़्यादा पैसा बना रहा है सर या तो कमा लीजिए या हल्ला मचा लीजिए <laughs> कुछ एक्सेप्शन भी है मेरे क्या हाँ, बात है नहीं नहीं डेफिनेटली सर चलिए मेरा तो ऑब्जेक्टिव कुछ और था सोशल मीडिया में आने का तो उसी में लगा हुआ बेसिकली मेरा जो ध्यान रहता है वो अभी देखिए एक फेज पे होने के बाद आप सोशल मीडिया पे जैसे आप हैं तो बिल्कुल एक सर्टेन लेवल है टू रीच दैट लेवल दिस इज द टाइम फॉर मी टू फोकस एयर ओके एब्सोल्युटली दैट्स वेरी वेल चलिए आगे बढ़ते सो so, सर सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे डो थ्योरी hmm. uh, एक जो मैं व्यूअर्स को चाहूंगा कि इसको हमें समझना पड़ेगा कि प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है hmm. प्राइमरी ट्रेंड इज द लॉन्ग टर्म ट्रेंड विच कैन बी बुलिश और बेयरिश वेज जिसको mm -hmm. हम कह सकते हैं बट एक डायरेक्शन क्लियर होता है एंड mm -hmm. uh, ये जो है सालों साल चल सकता है जैसे आज हम इंडिया की बात करें हम जानते हैं चार ट्रिलियन डॉलर पे इकोनॉमी है यहाँ पर मैं थोड़ा सा ना इकोनॉमिक व्यू से चलता हूँ mm. हमें ये पता है कि हम अमृतकाल की भी बात कर रहे हैं हम दस ट्रिलियन डॉलर तुरंत होने की बात कर रहे हैं कुछ समय में देन वी आर टारगेटिंग री बिग नंबर सो अगर हम देखें तो प्राइमरी ट्रेंड ऑफ इंडिया इज बुलिश दिस इज वॉट आई व्यू इट एज तो अगर हमारा प्राइमरी ट्रेंड बुलिश है तो हमें उसी को खेलना है ओके दिस इज वॉट इज फर्स्ट एंड इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डू थ्योरी एज पर प्रेजेंट कंडीशन इन इंडियन मार्केट ओके और ये कैसे पता लगेगा कि प्राइमरी ट्रेंड जो है वो बुलिश से बेरिश हो गया देखिए सर जब बुलिश से बेरिश होगा जब मार्केट आ, तो बहुत चीज़ें बदलने लगेगी ओके आ, अचानक से कुछ ऐसे स्टॉक्स या वो बबल निकल के आने लगेंगे जिनके बारे में हमने सुना नहीं जैसे वो जोक्स में हम कहते हैं पीपी -पी वाटर बॉल्स आहा, आहा, उस तरह की चीज़ें आने लगेगी बबल आने लगेंगे और वहां पर हमें दिख जाएगा मतलब मार्केट अपने आप अपने पीई -E रेशो के ऊपर बताने लग जाएगा हुँ, हुँ। कि अभी जो है बुल मार्केट नहीं है बबल आ गया है ठीक है सो हमें सबसे पहले प्राइमरी ट्रेंड को फोकस करना है हुँ, हुँ, हुँ। अब प्राइमरी ट्रेंड में सर घुसते तो सब हैं पर उनको सेकेंडरी ट्रेंड बाहर निकाल देता है बाजार से Okay. क्योंकि आदमी अपनी लेवरेज पोजीशन को अपने ग्रीड को कंट्रोल नहीं कर पाता है हुँ, हुँ. वो इतनी क्वांटिटी में काम कर लेता है कि प्राइमरी ट्रेंड के बीच में अगर वो सेकेंडरी ट्रेंड भी आ जाए तो वो उसका पैसा ले जाएगा एग्जांपल के लिए जब सत्रह हजार की निफ्टी से आज बाईस हजार की निफ्टी हुई प्राइमरी ट्रेंड तो बुलिश था बट पिछले तीन दिन के अंदर जो गिरा कुछ लोग ऐसे भी मिल जाएंगे वो ये कहेंगे कि सत्रह से बाईस में मैंने कुछ नहीं कमाया बेसिकली hmm. वो इतने लिवरेज हो गए थे कि सेकेंडरी ट्रेंड ने उनकी पूरी इनकम वाइप आउट कर दी सो hmm. so, वहां पर हमें सेकेंडरी ट्रेंड को समझना होगा और उसको इग्नोर करना होगा और हमारी ये चीज हमारे हम कर पाएंगे हमारी पोजिशन साइजिंग से बट इग्नोर कर देंगे तो पैसा तो सेकेंडरी ट्रेंड में बनता है सर सेकेंडरी ट्रेंड इज द ओनली रिवर्सल पार्ट अच्छा जिसके अंदर मुझे कुछ नहीं करना है Okay. या मेरी पोजिशन साइजिंग अगर कंट्रोल में है तो मैं प्राइमरी ट्रेंड के जो मैक्सिम बेनिफिट कर पाऊंगा yes. तो yes. तो पार्टिसिपेट मत करो नहीं अगर कोई आपका लॉन्ग का ट्रेड आएगा तो, हाँ, तो लेना ही है अच्छा तो उसको मिस नहीं करना समझ गया समझ बट एग्जिस्टिंग अच्छे ट्रेड्स को आपको एग्जिट नहीं करना है फिर तो आपके पास आते रहेंगे माल आप लेते रहो लेते रहो लेते रहो प्रॉफिट बुकिंग भी आती रहेगी पैरेलली हाँ, तो प्रॉफिट बुकिंग भी एक साइंस है यस yes. जिसको समझना चाहिए ना यस yes. नहीं तो आप लेते रहो लेते रहो ये तो अभी सभी तो दिलवाई रहे नहीं प्रॉफिट बुकिंग में हमारा जो मैंने मेरा स्ट्रक्चर डिजाइन किया है हाँ, हाँ. उसमें मिनिमम 50 परसेंट गेन से पहले मैं एग्जिट नहीं करता हूँ ओके द प्राइस शुड मूव अप बाय मिनिमम फिफ्टी सो दैट आई एम एक्चुअली कैप्चरिंग जो मेजर प्राइमरी ट्रेंड है मैं उसको कैप्चर कर पा रहा हूँ पूरी तरह से इवन इन सम केसेस इट इज ओवर हंड्रेड परसेंट बाबा कि स्टॉक मेरा हंड्रेड परसेंट तक मूव हो गया तब तक ही मैं उस ट्रेंड को कैप्चर कर रहा हूँ बट ये तो, तो आप दो से कर रहे हैं तो अभी तो वही वो तेजी 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 है बिल्कुल सर दो हजार के बाद आप कह सकते हैं कि तेजी है पर उतनी फास्ट तेजी नहीं है जितनी तेज हमारा सी ग्रोथ हुआ है हाँ ठीक है और आज अगर मैं बात करता हूं कि मैं 60 परसेंट प्लस सी के ऊपर काम कर रहा हूं पिछले एक साल में hmm. तो नॉर्मल रनिंग मार्केट में भी मैं 30 35 निकाल दूंगा बताइएगा कैसे निकलेगा sure. hmm. तो के अंदर तीसरा है सर डे टू डे फ्लक्चुएशन दिस इज टू बी कंप्लीटली अवॉइडेड इन माई ट्रेडिंग सिस्टम मुझे डे टू डे मूवमेंट से कोई मतलब नहीं है आज चार पॉइंट निफ्टी गिरे चाहे चार पॉइंट ऊपर जाए hmm. थ्री थिंग्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पैरामीटर ठीक है पता है इसके बारे में मेजरली बुल मार्केट में देयर इज ऑलवेज हायर हाईस और हायर लोस बनते हुँ। हैं इधर वेज में जब बियर मार्केट होगा तो वो ट्रेंड चेंज हो जाएगा एंड इट विल मेक लोअर लोज एंड लोअर हाईज सो दिस इज अ बेसिक सेटअप कि आप प्राइमरी ट्रेंड में है आपने जो पूछा था या उसमें बुल मार्केट में है या बियर मार्केट में है तो अभी हमें समझ में आ रहा है इसको देख के कि हम जो है प्राइमरी ट्रेंड हमारा बुल मार्केट है बरोबर है सेकेंडरी ट्रेड के अंदर क्या इंटरमीडिएट करेक्शन आएंगे जो हमें हंड्रेड अवॉइड करने हैं ये करेक्शन थर्टी से सिक्सटी हो सकते हैं इवन एट द टाइम ऑफ कोविड मैं उससे पहले जैसे आपको बताया मैं आ गया था तो कोविड वॉज द बेस्ट एग्जाम्पल टू कि मेरे को ये करेक्शन देखने को मिले सेकेंडरी ट्रेंड बट मुझे पता था प्राइमरी ट्रेंड क्या है और मेरी पोजीशन साइजिंग इतनी कंट्रोल में थी कि मेरे को उस स्नैरियो में भी एग्जिट नहीं करना पड़ा ओके सो हाउ इट हैज़ गिवन मी रिवार्ड वो बाद में हमें सबको पता है ओके ओके मतलब ऊपर से मार्केट तैंतीस परसेंट चालीस परसेंट पचास परसेंट गिर गया और आप अभी भी ये मानेंगे कि प्राइमरी ट्रेन इंटैक्ट है सर एक चीज़ समझते हैं अगर आपके पास में सौ रुपया है और मैं आपको ये कहता हूँ विवेक जी कि किसी भी स्टॉक में सिर्फ तीन रुपये लगाइए hmm. उसके बाद मार्केट में करेक्शन आ जाए और कई जगह आपके तीन रुपये के पांच या छः रुपये बन रहे हैं तो क्या आप उस तीन रुपये के डेढ़ रुपये होने पर एग्जिट करेंगे आपकी टोटल कैपिटल साइज का इतना सा वो परसेंटेज है तो तीन रुपया मैंने डाल दिया तो प्रैक्टिकली वो तीन ही रुपया मैं खो सकता हूँ ये बोलने की कोशिश कर रहा और क्या आपको मैं कहू कि वो कंपनी आपने तीन रुपए में ग्लैंडमार्क लिए तो क्या वो तीन रुपए आप खो देंगे hmm. वो भी प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं तो इसका है। मतलब स्टॉक आइडेंटिफिकेशन इज वेरी यस बिकॉज वी डू फंडामेंटल रिसर्च आल्सो हम फंडामेंटल भी इक्वली वेटेज देंगे देंगे okay. देखिए हमारा एक महीने से हम एक से डेढ़ साल का प्ले कर रहे हैं किसी स्टॉक में hmm. वहां पर ऐसे क्या चेंजेस आए हैं कि मैं उस पूरे मोमेंटम को कैच कर रहा हूँ हाँ. और मोमेंटम को इस तरह से कैच कर रहा हूँ कि मुझे फास्ट रिटर्न मिले तो उसके लिए मुझे फंडामेंटल चेंजेस भी देखने पड़ेंगे कि कंपनी के अंदर क्या आ रहे हैं ठीक है ये चीज़ें हमें देखनी पड़ेगी माइनर ट्रेंड्स डेली फ्लाइट फ्लक्चुएशन इनको हमें कंप्लीटली अवॉइड करके चलना है सबसे पहले जो हम करेंगे टेक्निकली पैरामीटर जो है देखिए इसमें ना 50 परसेंट वेटेज हमें टेक्निकल को देना होगा मैं व्यूअर्स को यही कहूँगा और 50 परसेंट ही वेटेज मेरा फंडामेंटल एनालिसिस को जाए ओके यहाँ पर कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है कुछ स्टॉक ऐसे हो सकते हैं जो कि फ्लक्चुएटेड हों बट वो फंडामेंटल पे आउट हो जाएंगे हुँ. अगर हम सिर्फ टेक्निकल करेंगे तो हम उनके अंदर भी घुस सकते हैं क्योंकि वो यहाँ के पैरामीटर फुलफिल कर देंगे बट फंडामेंटल में वो रिजेक्शन्स हैं ठीक है सबसे पहले सर हम स्क्रीनिंग करेंगे वॉल्यूम ब्रेकआउट स्कैनर से ये आ, मैं एक सॉफ्टवेयर के थ्रू वॉल्यूम ब्रेकआउट स्कैनर यूज करता हूँ आई थिंक अपने सभी प्लेटफॉर्म्स पे स्टॉकेज में भी है स्टॉकेज में है बिल्कुल मुझे ध्यान है वॉल्यूम ब्रेकआउट स्कैनर आप वही दिखाइएगा जो आप यूज करते हैं ओके सो हम लोग अपना प्रोडक्ट प्रमोट नहीं करता हमारा ऐसे ही हो जाता है नहीं सर आपका बिल्कुल वॉल्यूम ब्रेकआउट स्कैनर मैंने देखा हुआ है और बेसिकली इसका जो मैं पैरामीटर आपको बताऊंगा जो व्यूअर्स को कि मुझे पिछले दस दिन का एवरेज जो है उससे फिफ्टी परसेंट ज्यादा वॉल्यूम चाहिए ओके प्लस प्राइस शुड बी मूविंग अवे आई मीन I mean, अब फिफ्टी डे मूविंग एवरेज ओके इसके ऊपर डेली बेसिस पे मेरे पास जो स्टॉक्स आएंगे वो मेरे स्क्रीनिंग का पार्ट हो गए मैं डेली पांच हजार छह हजार स्टॉक्स तो स्क्रीन कर नहीं सकता मुझे एक लिस्ट चाहिए कि मैं किन स्टॉक्स को देखने वाला हूं ये चालीस पचास जो मेरे पास स्टॉक निकल के आते हैं फिर इसके बाद फर्दर फिल्ट्रेशन उसके बाद चालू होता है दो कंडीशन है 50 10 तो दस, दस लाख शेयर का एवरेज है yes. तो होना होना चीए होना चीए। आज दूसरा yes. वो स्टॉक फिफ्टी डे मूविंग एवरेज के ऊपर होना चाहिए ऊपर yes. होना चाहिए अच्छा रोके क्योंकि अगर कहीं हटना होगा तो आगे के प्रोसेस में हट जाएगा तो इसमें तो बहुत स्टॉक आएंगे हाँ। अच्छा, इससे नहीं आएंगे ये में। आपका चार पाँच हजार स्टॉक जितने भी आप करेंगे क्योंकि हम बिल्कुल जो स्मॉल कैप है उनको तो हटा देंगे उनको हटा देते हैं तो मोटा मोटी फिर वो पंद्रह से दो हजार बिल्कुल तो उसके बाद में हमारा चालीस पचास स्टॉक इसमें आएंगे ठीक है ये फर्स्ट लेवल स्क्रीनिंग जब हम कर लेंगे उसके बाद में हम ब्रेकआउट देखेंगे कि क्या कोई कौन सा स्टॉक है जो कंसोलिडेशन चैनल को ब्रेकआउट कर रहा है नहीं, नहीं। आ, हम इसको एग्जाम्पल पे भी देखेंगे फिर मेरी एक और कंडीशन रहती है कि जो एवरेज वॉल्यूम है मेरे स्टॉक्स का वो मिनिमम आठ लाख से ऊपर होना चाहिए लास्ट टेन ट्रेडिंग सेशन में इट इज जस्ट टू रूल आउट दी स्टॉक्स ओके

उसके बाद मैं फिबोनाची प्लेसमेंट करता हूँ फिबोनाची को मैं बहुत यूज़ करता हूँ जब मैं उन्नीस बीस में जब सीख रहा था तो काफ़ी सारी बुक्स पढ़ी तो मैंने गैन से रिलेटेड भी बहुत चीज़ें पढ़ी और फिबोनाची मुझे बड़ा अच्छा लगा विल विल जस्ट गिव टू मिनट्स टू दिस आफ्टर द स्लाइड फिबोनाची हम देखेंगे पॉजिटिव एम हम वीकली टाइम फ्रेम पर देखते हैं पॉजिटिव एम जो है ये सर मैंने जो है कहते हैं ना कहीं ना कहीं से आप सीखते रहेंगे ये आपके शो से ही निकाला है <laughs> ये आपके ही शो में किसी ने पॉजिटिव एम का कैश स्टॉक्स के ऊपर दिया था एंड आई फाउंड इट गुड तो मैंने उनका अप्लाई करा है वीकली टाइम फ्रेम पे बहुत अच्छा वक्त हाँ hmm. तो मैंने उन्हीं का अप्लाई किया है देन आई यूज चंडे मोमेंटम ऑसिलेटर ये मुझे मोमेंटम की स्ट्रेंथ को बताता है ठीक है ठीक है तो अब हम आगे चलते हैं थोड़ा ठीक है वॉल्यूम ब्रेकआउट में मैंने आपको जैसे बताया कि भाई दिस इज कि हम कंफर्म करते हैं प्राइस मूवमेंट को लिक्विडिटी मुझे मिल जाती है क्योंकि वॉल्यूम में आता है तो मार्केट इंटरेस्ट एंड पार्टिसिपेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि यहां पे मुझे पता पड़ रहा है कि अगर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो इसका मतलब इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर भी इसके अंदर एंट्री कर रहा है बरबर है किसी भी मार्केट के अक्यूमुलेशन के सर दो फेज है इस बात को ये मेरे सेटअप का स्ट्रक्चर है सबसे पहला किसी भी कंपनी में कुछ आ, मान लीजिए कि रीडेवलपमेंट हो रहा है या कुछ एकदम स्टोरी चेंज होने वाली है तो लेवल वन नॉलेज उनके पास है जो या तो प्रमोटर हैं या उस डील में कंपनी के साथ काम कर रहे हैं वहाँ से जैसे ही थोड़ा बहुत एक्शन आएगा सेकेंड लेवल के ऊपर एफ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर डी एंट्री करेंगे क्योंकि वहां उनको पता पड़ेगा कि नहीं देयर इज़ अ चेंज इन द स्टोरी बराबर है वो सेकंड लेवल पे ही मुझे घुसना है बरोबर है बड़े लोगों के साथ घुसना चाहते हैं यू डोंट वांट टू बी ऑन द रिसीविंग एंड ऑफ बिग पीपल ना तो मुझे वो उस वक्त घुसना है जब प्रमोटर आया है और ना मुझे एंड यूजर बनना है बरोबर है जहां पर बड़ा पार्टिसिपेशन आया है मुझे उस चीज को क्लॉक करना है समझ समझिए तो मार्केट एंट्रेंस एंड पार्टिसिपेशन मुझे वॉल्यूम ब्रेकआउट में क्लियर कर देता है एंड ऑल्सो नो कि फॉल्स सिग्नल बहुत कम होते हैं इसके अंदर फिबोनाची नंबर्स फिबोनाची के जो फॉलोअर्स हैं हमारे व्यूअर्स हैं वो इन नंबर्स का रिस्पेक्ट जानते हैं hmm. कि थर्टी एट पॉइंट टू फिफ्टी सिक्सटी वन मतलब दीज आर लाइक सेकर्ड नंबर्स भी कह सकते हैं और यूनिवर्सल नंबर आप कह लीजिए गोल्डन रेशोस कह लीजिए फिबोनाची uh, जब मैं पढ़ रहा था तब मुझे पता पड़ा है कि हर इंसान की जो बॉडी है hmm. उसके अंदर जो नेवल पॉइंट होता है दैट इज़ लोकेटेड एज द सिक्सटी वन पॉइंट एट परसेंट ऑफ द लेंथ ऑफ द पर्सन ये तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि गोल्डन रेशियो से है इवन इन फ्लावर्स इफ यू गो यू विल फाइंड द नंबर ऑफ जो उसके पत्तियाँ होती है पेटल्स उसमें भी आपको फिबोनाची नंबर मिलेगा तो एनी तो ये नंबर्स का एक बहुत अच्छा रिस्पेक्ट होता है फिबोनाची का हम उनको देखेंगे आ, जैसा मैंने आपको अभी कुछ सेटअप के बारे में बेसिक चीज़ें बताई हाँ। आई थिंक वी शेड गो बाई चार्ट टू अंडरस्टैंड ऑल द थिंग्स इन डिटेल क्योंकि वो प्रेजेंटेशन वाली चीजों को लोग शायद उतना विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे hmm. uh, सबसे पहले मैंने ना ये कुछ ट्रेड्स हैं जो मेरे बुक करे हुए हैं hmm. तो मैं उन्हीं को आपको दिखा रहा हूँ एक बार फिर बाद में हम कुछ ऐसे ट्रेड्स भी लेंगे जिनको हम अभी रनिंग में चला रहे हैं बरबर यहाँ पे देखिए मैंने एक हुडको का चार्ट आपके सामने लगाया है hmm.

ठीक है ये पूरा बॉक्स है ये पूरा कंसोलिडेशन चैनल का हुँ, ये नीचे यहाँ पे बाजार जाके वापस ऊपर आया दिस वाज माय एंट्री पॉइंट समवेयर अराउंड इन ये आपका है मोटा मोटी जनवरी फरवरी 2023 के आसपास की बात हुँ, है हुँ, इसी टाइम पे अगर मैं देखूंगा मुझे एमएसीडी जो है वो पॉजिटिव साइड में चाहिए तो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए हां ग्रेटर देन 0 चाहिए मुझे एमएसीडी इज बेसिकली Moving average, Moving average, average, divergence, yes, yes. तो ये consider करता है। बारह छत्तीस का मतलब क्या हुआ बारह का शॉर्ट टर्म और क्या है? है मैंने इसके अंदर कोई छेड़छाड़ छेड़ नहीं की ओके ठीक है ये है।, बार बार है। चंडे मोमेंटम जो ऑसिलेटर है ये बेसिकली मुझे स्ट्रेंथ बताता है okay. इसको मैं वीकली और मंथली दोनों पे देखता हूँ ठीक है ये मुझे ट्वेंटी के ऊपर चाहिए अच्छा ठीक है ये अगर ट्वेंटी या ट्वेंटी के ऊपर है तो इसका मतलब मुझे इस स्टॉक में मोमेंटम मिलने की हायर पॉसिबिलिटीज है okay. इसको मैं मंथली पे भी कंपलसरी देखूंगा ओके okay. मंथली पे भी मुझे 20 के ऊपर चाहिए ही चाहिए अगर नहीं है तो मैं यहीं पे इसको होल्ड कर दूंगा ट्रेड को मतलब uh, हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है मोमेंटम आइडेंटिफाई करने का yes. आपने ये इंडिकेटर डाल दिया बिकॉज इससे आपको कंफर्ट हो गया कुछ को आर एस आई कम्फर्टेबल तो आर एस आई देख लो कुछ तो कस्तिक देखना कस्टिक देख लो बिकॉज मोमेंटम ऑसिलेटर्स और इंडिकेटर्स बहुत हैं जो आपको yes, बता दें yes. तो जैसे ही सर यहाँ पर चैनल का ये ब्रेकआउट हो रहा है hmm. मुझे वॉल्यूम दिख रहा है अब नॉर्मल वॉल्यूम आप देखिए कंपेरेटिवली आई कैन सी अब नॉर्मल वॉल्यूम्स हेयर इसका मतलब जो हम चाह रहे हैं सेकंड लेवल एंट्री जहां एफ आई या बड़े इन्वेस्टर या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर घुस रहे हैं मुझे वॉल्यूम ये नहीं कह रहा कि कोई यहाँ आ रहा है या नहीं आ रहा है बट समथिंग बिग इज़ हैपनिंग दिस इज वॉट आई कैन सी मुझे मेरा एमएससी पॉजिटिव मिला मुझे मेरा सी के अंदर पॉजिटिव मिला एंड आई हैड एंटर्ड हेयर इसके बाद में ब्रेकआउट फेल जिसके अंदर फिर लोगों का स्टॉप लॉस लगता है ब्रेकआउट फेल भी होता है बट बाद में जाएगा और उसके बाद ये जब जाएगा मुझे ऊपर फिफ्टी परसेंट से ऊपर जैसे ही मेरा ट्रेड पहुंच जाएगा उसके बाद मुझे देखना है कि कहीं कुछ डिस्ट्रीब्यूशन तो नहीं आ रहा है अगर कहीं डिस्ट्रीब्यूशन आता दिखेगा या कहीं पे लगेगा कि अब ये वापस से लॉन्ग कंसोलिडेशन में जाने को तैयार है वहां मैं एग्जिट कर दूंगा मुझे एंट्री का अभी तक ये नहीं क्लियर हुआ कि आपने आइडेंटिफाई कर लिया स्टॉक Uh, आपका सेटअप फेवरेबल में है एंट्री क्या बेसिस फेबोनाची का क्या रोल है Sir, और जब यहाँ पर ब्रेकआउट यह हुआ है ना उस दिन थर्टी को तोड़ा है इसने okay. तो आपने एंट्री ले ली यस yes. उस टाइम जब वॉल्यूम ब्रेकआउट आ रहा है उस टाइम पे फिबोनाची किसी लेवल को तोड़ रहा है या नहीं तोड़ रहा है यहां पर ही पोजीशन साइजिंग मैटर करेगी सर अच्छा ब्रेकआउट तो फेल होंगे ब्रेकआउट आएंगे और ब्रेकआउट फेल भी होंगे हम अगर पोजीशन साइजिंग हमारी कंट्रोल में है तो उसके बाद हम आ, इस ट्रेड को कुछ समय के बाद प्रॉफिट में ले देख लेंगे मतलब आपने छोटा क्वांटिटी से बताया था कि सब आपने डिसाइड किया मेरे को इस कंपनी में 1 करोड़ रुपए डालना है फॉर एग्जांपल तो मैं क्या क्वांटिटी से इंटरा करूं मैं आपको बताता हूं मेरा सेटअप में

उनमें से कुछ स्टॉक आपके फिफ्टी सेवन एटी परसेंट होकर नेक्स्ट टाइम यू विल बी हैविंग द पावर टू टू स्टॉक्स ओके एंड विद दिस सेम अप्रोच आज मेरे पास में एक सौ बीस एक सौ चालीस स्टॉक्स की पॉसिबिलिटी हो चुकी है कैसे मल्टीपल हो रही है ना सर पैसा अच्छा द मनी इज मल्टीप्लाइंग बट मल्टीप्लाई uh, हो रहा तो स्टॉक में तो ऑलरेडी डला हुआ डाला पैसा सर आपने स्टॉक के अंदर मान लीजिए

और अगर प्राइस गिर गया मार्केट गिर गया तो आपका एक करोड़ घट के हाँ पचास लाख हो गया साठ लाख हो गया अब ना आप तो स्टॉप लॉस रखते नहीं हो स्टॉप लॉस सर मेरा तीन परसेंट का मेरा जो है ये स्टॉक मेरा तीन परसेंट पे है तीन परसेंट क्वान्टिटी लूँगा इस्टॉक गिरना है ऊपर जाएगा जो भी होगा मेरा एक स्टॉक तीन परसेंट से ज़्यादा नहीं ले जा सकता और क्वान्टिटी बढ़ाने के लिए क्या करेंगे ये तो हो गया तीन आपने अभी डाल दिया तो क्या आप ऊपर और ऐड करते हैं नहीं

तो हर दिन का आप चार्ट देख रहे हो हर दिन का कैंडल देख रहे हो तो आपको दिख रहा है कि वो वहीं पर ही रुक रहा है वो हाँ, वो चार तो पांच दिन अगर वो कर रहा है हाँ, हाँ। विवेक जी मतलब ऑनेस्टली बहुत माइन्यूट डिफरेंस नहीं पकड़ पाएंगे हुँ, और हुँ, ये जो है होना है हमारे साथ बार बार होना है कि किसी चीज को हम डिस्ट्रीब्यूशन मानेंगे तो वो या तो डिस्ट्रीब्यूशन निकलेगी या अक्यूमुलेशन भी निकल सकती है बट इंपॉर्टेंट हेयर इज कि क्या मैं छह आठ महीना पांच महीना सात महीना जितना मैंने ट्रेड को रखा क्या मैं सत्तर अस्सी परसेंट गेन करके निकला हूं या नहीं ठीक hmm. है आगे बढ़ते तो और एग्जाम्पल अब जैसे आपको एक दूसरा स्टॉक मैं दिखाता हूँ ये केशोरम हमें यहां पर क्लियर विजिबल है कि एक बहुत लंबा कंसोलिडेशन था ये hmm. यहाँ पर मुझे वॉल्यूम भी विजिबल है देखिए अगर आप देखेंगे पूरे डेढ़ दो साल से ज्यादा वॉल्यूम है इधर यहाँ मुझे एमएससीडी मेरा पॉजिटिव मिल रहा है मुझे मेरा ऑसिलेटर पॉजिटिव मिल रहा है ट्वेंटी प्लस मिल रहा है यहाँ मेरी ब्रेकआउट एंट्री हुई पहले स्टॉक में देखा मैंने कि ब्रेकआउट होने के बाद मेरा ब्रेकआउट फेल हुआ वो चार पांच वीक के लिए कंसोलिडेशन में फेज में चला गया यहाँ अगर मैं देखूंगा तो ये ब्रेकआउट होते ही मेरे को एक ऊपर का मूव दे गया ठीक है ये मेरा स्टॉक गया अभी कुछ एक रुपए के आसपास में वी हैड एग्जिटेड इट हुँ, हुँ. मैंने कुछ एक रुपए के आसपास में इसको एग्जिट किया था अभी क्या बेसिस सर वही वाली बात आज देखिए मेरा अस्सी रुपए पे लिया हुआ मुझे एक सौ साठ पैंसठ के ऊपर अगर कहीं पे दिख रहा है कि ये स्टेबल हो रहा है क्योंकि और स्टॉक्स भी आ रहे हैं वो भी लेने हैं ना फिफ्टी परसेंट के ऊपर जहां मुझे लगेगा कि अब ये थक गया है ये थोड़ा रुकना चाहता है थोड़ा कंसोल्व करना चाहता है तो फिफ्टी तो अस्सी का फिफ्टी परसेंट तो होता है 120. सर उसके बाद तो इसने मौका ही नहीं दिया, इस रूल दिया आपने। एंट्री है, 50 के मैं कहां तक उसको कैरी कर सकता हूं समझ गया और उसी टाइम फ्रेम में मेरे पास नए कितने स्टॉक्स आ रहे हैं क्योंकि उसी कैपिटल के अंदर मुझे अपना बॉल बनाना है समझ गया मैं तो फेबनाची आपको एग्जिट नहीं दे रहा है कोई सिस्टम नहीं बता रहा है कि हिसाब से एग्जिट कर दो फेबराची uh, के हिसाब से फिर मैं रखूंगा ओके गुड मॉडल नहीं उसमें मैंने ट्राई करके देखा था mm. उसमें कई बार होता है कि वहां से जब वो रिवर्सल ले जाता है तो एक लॉन्ग कंसोलिडेशन में स्टॉक निकल जाता अच्छा। है अच्छा तो उसमें तो आप एग्जिट करेंगे लॉन्ग कंसोलिडेशन हाँ हाँ तो उससे बेटर मुझे यही लगा कि भाई फिफ्टी परसेंट मेरा मिनिमम थ्रेश होल्ड है और उसके ऊपर जहां मुझे कंसोल करता दिखेगा बाजार ठीक मैं एक्सेप्ट कर हूँ ठीक है बहुत सिंपल सेटअप है विवेक जी कुछ ज्यादा इंडिकेटर नहीं है प्राइस एक्शन के ऊपर खेल है वॉल्यूम है एम है इसके लिए मुझे बस डेली शाम को एक से डेढ़ घंटा लोगों का चाहिए कैसे वो अगर इसमें दे पाएंगे तो ये वो भी कर सकते हैं नेक्स्ट डे उनको नहीं देखना स्टॉक निकालेंगे कैसे स्कैन करके। स्कैन करके करके निकाला चार्ट, चार्ट चार्ट ब्रेकआउट हुआ या नहीं हुआ ये नजर बोल देगी जहां हुआ वहीं पे मुझे ब्रेक लेना है उसके बाद मेरे बाकी पैरामीटर देखने और आगे बढ़ना है समझ गया रूल बट ऑल्सो थोड़ा डिस्क्रिशनरी अपने स्किल पे भी डिपेंडेंट है अच्छा आप कैंडल स्टिक यूज़ करते हैं लाइन चार्ट क्यों नहीं करते हैं? नहीं उसका सर कोई स्पेसिफिक रीजन नहीं है okay. क्योंकि और रेलिवेंस भी नहीं है मेरे सेटअप में उसका नहीं क्योंकि हाँ क्योंकि आप तो बट जब आप कोई भी फेमांची लेवल के ऊपर बाई कर रहे हैं तो क्लोजिंग तो अवेट करते हैं कि नहीं मैं मेरा मानना है अगर कोई प्राइस टच हुई है तो उस प्राइस का अपना इंपॉर्टेंस है देखिए इसमें वो दो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं कोई क्लोजिंग के क्लोजिंग टू क्लोजिंग फिबोनाची पकड़ता है क्योंकि लाइन चार्ट जो पकड़ेगा हाँ। वो क्लोजिंग टू क्लोजिंग पकड़ेगा बट हाँ। मेरा ऐसा मानना है कि अगर वो प्राइस टच हुई है तो इट हैज बीन रिकॉर्डेड डेटा तो मुझे उस डेटा टू डेटा चलना है समझ गया दो तो हमारे वीकली कैंडल है हाँ। तो आप एंट्री करते होंगे तो डेली के हिसाब से मैं डेली के हिसाब से ही करता हूं यहां पे आपको मैंने एक बार क्योंकि जब बाकी पैरामीटर पे मैं आता हूं एमएसडी है उसके स्क्रीनशॉट्स के लिए मैंने वीकली लिया है ठीक है ठीक चेन्नई पेट्रो द ब्यूटीफुल ट्रेड आप देखिए विवेक जी एंट्री के टाइम पे मेरे को ये सब चीजें मिली और एंट्री के बाद इसने मुझे टाइम दिया इन नो टाइम एक्चुअली इन अ पीरियड ऑफ लेस देन सिक्स मंथ मोर देन डबल मुझे एग्जिट भी नहीं थी समझ गया एक आपको मैं दिखाता हूं आ, ये मेरी नई एंट्री है ज्वारी एग्रो यस एक अच्छा कंसोलिडेशन अच्छा है वॉल्यूम भी आया है ब्रेकआउट में वॉल्यूम सपोर्ट कर रहा है एमएस वीकली जीरो के ऊपर है आपका जो सी एमओ है वो भी जीरो के ऊपर है इसका मतलब इसमें घुस जाओ मैंने मेरी एंट्री कर दी इंटरेस्टिंग है अब देखेंगे। मैं भी जरा अपना मेरा जो सेटअप है उसमें जरा मैं को जरा देख लूँ श्योर sure. तो मेरे को भी ये कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ बात तो सही है ये ये अभी कंसोलिडेशन मेरा एंट्री हुआ है कुछ एक वीक पहले एक वीक पहले हुँ। हुँ। आप देखेंगे तो उसमें वॉल्यूम ब्रेकआउट में आपको एक वीक पहले मिल जाएगा हम्म ठीक है तो यहाँ पे सर फर्स्ट पार्ट मेरा कंप्लीट होता है सही बात बताइए मेरा जो आर एस मॉडल है उसके आधार पे मैं देख रहा हूँ कि इसका ये जो टाइम था इसमें सबसे पहले वॉल्यूम आई थी दिस बेसिकली 28 नवंबर 23 को जब इसने ब्रेकआउट दिया था एक रेन से और वॉल्यूम भी आई थी इनफैक्ट ये नौ, दिसंबर फर्स्ट वीक की बात है दिसंबर 23 करेक्ट हाँ, हाँ, फर्स्ट वीक ऑफ दिसंबर की बात है तेईस

आप ये वीकली चार्ट देख रहे हैं ना कंसोलिडेशन के लिए डेली के अंदर भी जो ब्रेकआउट आया है ये जनवरी फर्स्ट वीक के आसपास आया फर्स्ट और सेकंड वीक के आसपास अच्छा, डेली में भी समझ गया। तो कंसोलिडेशन हम जितना लंबी अवधि का देखते हैं हाँ उसमें ब्रेकआउट होता है तो उतना हाई कन्विक्शन है ना ट्रेड इनफैक्ट हाँ ये आपने सर अच्छा बोला मैं शायद भूल गया था बताना मिनिमम मुझे छह महीने का कंसोलिडेशन चाहिए अच्छा मैं वी डब्लू शेप पे काम नहीं करता अच्छा तो जुवारी एग्रो के अंदर में ये जो कंसोलिडेशन हुआ है यस yes. ये आप देखिए चार एक साल, एक का एक का का, एक एक साल का कन, तीन साल का कंसोलिडेशन है सर 2019 ऑनवर्ड्स कंसोलिडेशन है ये हम्म हम्म वो ब्रेकआउट हुआ था अब मुझे ये नहीं पता कि इसके बाद ये आज जाएगा तीन महीने बाद चलेगा इट इज जस्ट लाइक डीएलएफ डीएलएफ जब 300 के ऊपर ब्रेकआउट हुआ हुँ. हम तब घुसे अब 500-600 सबकी अपनी अपनी थ्योरी है कहाँ तक क्या होगा बट वो कितना बड़ा पीरियड था इट वॉज ईयर कंसोलिडेशन विच वॉज ब्रोकन पवन क्या होता है जब बुल मार्केट आता है ना तो कंसोलिटेशन रिकॉर्ड भर भर के आती है यस वो पैसा उस समय बना लो तो बना लो आप सब एक दो तीन साल का बुल मार्केट के बाद मार्केट डल तो होगा ही तो वो शायद अपने ही एक करेक्शन के बाद में अलग जोन में चला जाएगा

तो आपको बोले मतलब है कि चाहे ये जो मार्केट, भी मार्केट कंडीशन है ये मार्केट है 60-70 कमाए हाँ 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 वो हाँ, मार्केट हाँ. आएगा तो अपनी एक्सपेक्टेशन को रियलिस्टिक रखें एनी मार्केट कंडीशन यू आर सेइंग कि स्टॉक्स मिलेंगे जो कंसोलिडेशन से ब्रेकआउट दे रहे हैं बिकॉज टर्न अराउंड स्टोरी तो कहीं ना कहीं बननी ही है hmm.

बिकॉज बैंक में था तो इंटरेस्ट कवरेज रेशो को कुछ ज्यादा ही वैल्यू करता हूँ <laughs> <laughs> या डेटर्स टर्न ओवर डेज को बहुत वैल्यू करता हूँ mm -hmm. अचानक से कम होते जा रहे हैं mm -hmm. मतलब क्या बदल रहा है कि फास्ट पैसा आ रहा है mm -hmm. ये ये कुछ चीजें हैं जो आपको बताएगी कि जो वॉल्यूम ब्रेकआउट या जो ब्रेकआउट के कंसोलिडेशन के बाद आप स्टॉक को देख रहे हो उसकी जेन्युननेस कितनी है बराबर है और वहीं से मोमेंटम पिक होगा सो दिस इज हाउ वी डू इट सही है सही है मुझे लगता है कि बहुत सब्सटेंस है प्रोसेस में क्योंकि मेरा भी एक स्ट्रेटेजी है मैं कुछ ऐसा ही काम करता हूँ जो आप कर रहे हैं okay. और बनता है ऐसे पैसा इनफैक्ट एक वीडियो मैंने रिकॉर्ड किया था रोहन मेहता का आप okay. जो गुजरात से हैं रोमो उसका ट्विटर हैंडल है बहुत अच्छा वीडियो था इनफैक्ट दोस्तों आपने वो नहीं देखा होगा तो ये देख लीजिए उसके बाद में वो भी देखिएगा रोमो बहुत अच्छा उनका थ्योरी क्या था अगर कोई स्टॉक ऑल टाइम हाई जा रहा है और उसके रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई हुआ है अर्निंग भी ऑल टाइम हाई है तो वो रॉकेट है यस yes. क्योंकि ऑल टाइम हाई कोई रीजन से हुआ है वो कोई रीजन से और जनरली हम लोग एक रिटेल आदमी क्या करता है ऑल टाइम हाई है तो बेच दो यहीं पे प्रॉब्लम है और वही समझदार आदमी लोग का यही रहता है कि ऑल टाइम हाई है तो भैया ले लो और क्योंकि रेवेन्यू भी ऑल टाइम हाई वो रोहन का देखेगा जरूर रोहन बहुत जबरदस्त काम कर रहा है आप ही बहुत अच्छा काम कर रहे हैं मुझे लगता है कि ये एक पाथ आपने लिए क्लियर कर लिया अपना की इससे पैसा तो बट एक ही बात है कि ये सब जो टफ टाइम आता है ना कोविड ओविड जब तीस पैंतीस परसेंट चालीस परसेंट पोर्टफोलियो डाउन हो जाता है उस समय जो आप बिना जॉब के बैठे हैं क्या मनस्थिति होती है वो एक प्रॉब्लम है चलिए सर उस पर थोड़ा बात करेंगे सर मैं ना इनके बारे में काफ़ी पढ़ता हूँ जो भी बड़े बड़े अपने इन्वेस्टर्स हैं हाँ तो जितने भी फंडामेंटल इन्वेस्टर्स है हाँ। उन्होंने बुल और बेयर मार्केट दोनों देखे हैं। हाँ। अगर वो फंडामेंटली अच्छी कंपनियों में इन्वेस्टेड है हाँ। तो उनका पोर्टफोलियो कभी थर्टी थर्टी फाइव परसेंट से ज्यादा नहीं गिरा ट्रेडर का आपने सुना होगा कि वो एक दो बार बैंक हो गए हाँ। बट इन्वेस्टर्स जनरली नहीं होते नहीं हो होते। बो so, हमने जो एंट्री और एग्जिट रूल की जहां बात करी वहां हमने ये कहा कि मेरे को किसी भी स्टॉक में तीन परसेंट से ज्यादा कैपिटल नहीं लगानी है मान लीजिए कभी ऐसा हो गया जैसा सत्यम के केस में हुआ था कि कंपनी की बैलेंस शीट भी मतलब एकदम मतलब ऑल टुगेदर ऐसी स्टोरी जो कोई याद नहीं रखना चाहेगा हुँ, हुँ। तो भी आपका क्या गया सर आपका बाकी तीन रुपया छह रुपया हो रहा है ना रूटीन में छह महीने में गया तो तीन रुपया गया आपकी कैपिटल पूरी पूंजी तो नहीं चली गई तो आप आ, तीन रुपया तो हो गया जब आपने एलोकेट किया है अब वो तीन का जब छ हो गया तो फिर वो प्रैक्टिकली है आपने प्रॉफिट बुक कर लिया तो वो छ है बट इन केस कोई ऐसी स्टोरी आ जाती है जिसको आप कहना चाह रहे हैं या बात करना चाह रहे हैं कि कोई ऐसा स्टॉक आ गया जो कि जीरो होने वाली जो हम बात कर रहे हैं हुँ. उसमें भी आपका बहुत ज्यादा मतलब आपके नेट नेट पोर्टफोलियो को डेंट नहीं करेगा हो सकता है उस साल आप थर्टी परसेंट सी कमाते तो आप ट्वेंटी सेवन पे रह जाओगे सिलेक्शन और क्रिएटिंग चला गया पैसा तीन ही परसेंट तो गया बस तीन ही गया ना अच्छा ये सोच बहुत अलग है हम लोग ट्रेडर वाली जो सोच होती है ना वो तीन परसेंट को भी लगता है क्यों जाने दे अगर डेढ़ परसेंट में हम स्टॉप लॉस लगा के बचा सकते हैं तो बचा लो इन्वेस्टर वाली सोच जो होती है कि लगेगा ही क्यों हाँ कोई सवाल ही नहीं उठता लगने का इन्वेस्टिंग आ, कर रहे हम तो राधा विवेक जी इसको एक्चुअली ना एक बिजनेस की तरह देखता हूँ मेरा ये मानना है कि बिजनेस वो होता है जहाँ पे आप रात को पीसफुली सो सको बिजनेस ऐसा नहीं होता कि मैं रात को पुट बेच के गया और रात को एस देख रहा हूँ एक्चुअल बिजनेस तो वही है जिसको आप स्केलेबल कह सकते हो जहां पे आप रात को से सो सको यहाँ पे मुझे वो कंफर्ट है हुँ. समझ गया तो आप टेक्निकल एनालिसिस कितना जानते हैं टेक्निकल एनालिसिस सर चीजें सीख रहे हैं आपके सारे वीडियो रूटीन में देखता रहता अच्छा। हूँ <laughs> और जहां से जो मिलता है वो सीखता हूँ काफी सारी चीजें हैं इसमें भी जो मैंने देखा कहीं पे मैंने शुरू में क्लास लेके सीखा कुछ मैंने जैसे आपको बताया एम मैंने आपके फेस टू फेस से ही लिया हुँ, हुँ, तो इम्पॉर्टेंट इज टू लर्न फ्रॉम एवरी वन इट डज नॉट मैटर हाउ इट कॉस्ट यू बिकॉज हमारे इस मार्केट के अंदर तो यही हमारी इंफ्रा कॉस्ट है खुद की लर्निंग ही तो हमारी इंफ्रा कॉस्ट है और है क्या हम अगर इसके ऊपर भी खर्चा नहीं करना चाहेंगे तो फिर चेंज कैसे होगा बराबर है तो इस कॉस्ट को परवाह नहीं करता मैं कभी भी hmm. जाता हूं कुछ अच्छा मिला बहुत अच्छी बात है नहीं मिला कोई बात वेरी वेरी गुड पवन इट शॉर्ट स्वीट एंड इम्पैक्टफुल इस तरह के फेस्टिवल बहुत पसंद आते हैं मतलब पता है exactly एग्जैक्टली क्या कर रहे हो बस उतना बोल ले रहे <laughs> क्योंकि इसका इंप्लीमेंटेबल वैल्यू बहुत है आप कल से एक्चुअली प्रैक्टिस करना चालू कर सकते हैं यस yes, और क्योंकि यस, यस, यस। और थोड़ा बहुत पैसा बिना पैसा लगाए तो कुछ नहीं होने वाला मॉक जितना भी कर लो जब तक दिल धक धक धुबधक नहीं करता ना पैसा लग के उस तब तक आदमी सीखता नहीं सर मैं बैक टेस्टिंग में बिलीव नहीं करता नहीं करते पैसा लगाइए छोटा से शुरू करिए

बट क्या इससे फिनंशियल इंडिपेंडेंस मिल सकती है ये आई थिंक आप आप में इतनी डिसप्लिन है आप ने अपनी राउंड ओरिएंटेशन वैसे क्रिएट कर रखी है मे बी आपकी फैमिली की सपोर्ट बहुत है कि आप ये बोल्ड कॉल ले पाए निन्यानवे प्रतिशत लोग जो है हो सकता है कि आपसे ज़्यादा टैलेंटेड भी होंगे बट वो ये कॉल नहीं ले पाते सर बिल्कुल इसमें मेरा फैमिली का बहुत सपोर्ट रहा स्पेशली माई वाइफ मैंने जब उनको कहा कि मैं ऐसा सोच रहा हूँ तो बोले कि वहां भी आप दिन रात लगे रहते थे और यहां भी लगोगे तो कर लोगे आप तो उसने कहा आप टेंशन मत लो आप कर लोगे हाँ, हाँ, हाँ। तो जो भी हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता है कि वो कितनी मेहनत से अपना काम कर रहे हैं जब उनका खुद का काम होगा तो उनकी मेहनत का लेवल डबल हो जाएगा वेरी वेल सेट जब मेहनत डबल हो जाएगी मेहनत का लेवल डबल हो जाएगा तो हार कैसे होगी यस खुद का काम होने से मेहनत का लेवल तो डबल होता ही है और मार्केट ऐसा प्लेस है जो हर तरह के लोगों को हर तरह की पहुँची है यस दैट्स आई थिंक द ब्यूटी ऑफ स्टॉक मार्केट तो बस आप भी लगे रहिए और हम भी लगे रहेंगे और हम पवन जैसे और टैलेंट को इंडिया में ढूंढते रहेंगे जिनको कोई नहीं जानता है और आपके सामने लाते रहेंगे ताकि हम सब सीखेंगे तो यही स्ट्रैटी बट आई दि मोर देक हम सब इंस्पायर होते हैं यस yes. कि पवन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ बिल्कुल सर सब कर सकते हैं है ना थैंक यू पवन फॉर दिस ब्यूटिफुल कॉन्टेंट थैंक यू सर आई वी विश यू आ वेरी बेस्ट ऑफ लक और बस ऐसे आप आगे बढ़ते रहें और अपनी कम्यूनिटी में आस में जितने भी आपके मित्र हैं सबको आप इंस्पायर करते रहें ताकि भारत जो है वो दो के लिए हम सब तैयार हो रहे हैं ना यस सर टारगेट वही है <laughs> तब तक बुल मार्केट है प्राइमरी ट्रेंड क्लियर है एकदम प्राइमरी <laughs> ट्रेंड क्लियर है बुल मार्केट है चलिए थैंक यू दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए लास्ट तक रुकने के लिए अपने आप को शबाशी दीजिए क्योंकि आप अपने लिए लास्ट तक रुकते हैं मेरा तो क्या है मैं तो चलते ही करता रहूँगा बट आप लास्ट में रुकते हैं तो आप लास्ट तक रियल नॉलेज को एब्जॉर्ब करते हैं नोट्स बनाते हैं और उसको प्रैक्टिस करते हैं इनफैक्ट कई लोग ऐसे मिले जिन्होंने एक्चुअल में फ़ेस टू फेस डायरी बना रखी है और सारे 230 वीडियोस का नोट्स बना हुआ है एक बंदा मिला मुझे शॉक्ड हो गया देखिए कि यार ये इंसान ने कितनी मेहनत की और एक्चुअल में आप मिलोगे ना उनसे तो आपको समझ में आएगा कि मेहनत क्या होती है तो आप भी चालू कीजिए जब जाओ तभी सवेरा चालू करो बिकॉज शेयर बाज़ार यहीं यहीं रहेगा और हम सब इसका फ़ायदा कभी भी चालू करके उठा सकते हैं और राइट थैंक यू अच्छा लगा तो कमेंट कीजिएगा और अभी क्योंकि देखिए हम तो रिकॉर्ड तो 22 तारीख के पहले किए थे बट ये वीडियो लाइव होगा 22 के बाद तो कोई नहीं अभी आप कमेंट में लिख दीजिए जय श्री राम ताकि एक माहौल जो है देश में वो माहौल आप लोग वर्चुअल भी कंटिन्यू कर सके तो ध्यान रखिए अपना जय हिंद जय श्री राम Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.